A very good morning, Jai Hind, my dear students, and I welcome you once again to your English class. Children, in today's class, we are going to revise the left topics of grammar, right? So, before we start revising the grammar topics, children, I am going to once again remind you about your grammar test today. Yesterday, you have given your literature test, right? Now today you are going to give a short revision test of grammar, right? So I am going to explain first all the leftover topics of grammar, and after that, after the class gets over, immediately I am going to share a PDF in your WhatsApp group. आपके PDF मैं आपके WhatsApp ग्रुप पर अभी बस क्लास के बाद शेयर करने वाली हूँ, और उसे आपको देखकर क्या करना है जल्दी से बताओ मुझे. उसे आपको देखकर अपनी नोटबुक में उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फोटो क्लिक करके मुझे दिखाना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं. ठीक है, आपको आता है कि नहीं ये मैं देखना चाहती हूँ. ठीक है, और फिर जब मैं देख लूँगी आप लोगों के आंसर्स, तो फिर मैं आंसर की भेजूँगी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. उससे आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कितने आंसर्स सही हो रहे हैं आपके, कितने गलत हैं. ठीक है, जो रॉन्ग होंगे उनको आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न देम, राइट, जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं. ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं थर्सडे को जो क्लास रहेगा, अब ट्यूसडे के बाद वेंसडे कल आपकी छुट्टी है ना, कल तो क्लास नहीं है, तो आप अच्छे से सारा लर्न कर लेंगे लिटरेचर का और ग्रामर का. थर्सडे को मैं जूम क्लास लूँगी, और उसमें सारे बच्चों से मैं क्वेश्चंस करूँगी. तो कोई भी लेट नहीं होना चाहिए जूम क्लास के लिए, 8 o'clock पर शार्प सब रेडी रहेंगे मॉर्निंग में. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन सी, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, एंड वी विल रिवाइज द टॉपिक्स वन बाय वन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will revise the topic is, am and are. ठीक है, now what is, am, are, children? Is, am, are, these are verbs. What are they? These are be verbs. ये क्या है, be verbs हैं. ये किसी के noun के being का होना बताते हैं, that what somebody is, what somebody what I am, what they are, right? So is, am, are known as be verbs. आपने अभी action words के बारे में जाना होगा, verbs जो होते हैं, right? जैसे कि play, sing, ये सब verbs हैं. But इसके अलावा is, am, are ये भी verbs हैं. ठीक है, So now let's know more about it. So children, remember, am, is and are, ये जैसा मैंने आपको बताया, be verbs हैं. ठीक है, Now let me tell you the uses of am, is and are in a sentence, right? Am is always used with the pronoun word I. ठीक है, I pronoun, I क्या है, मैं अपने नाम के जगह पे I use करती हूँ. So I will be used when, जहाँ पे मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, I am telling about myself, so with I we will use am. ठीक है, लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग, आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास टेस्ट टूडे, राइट. सो दिस वे वेयर एवर वी सी आई, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज एम, अगर हम बींग की बात कर रहे हैं, राइट. नाउ इज को हम कहाँ यूज करते हैं, इज यूज विथ सिंगुलर नाउन. ठीक है, जब किसी वन पर्सन, किसी एक पर्सन, किसी एक एनिमल, किसी एक थिंग या किसी एक यू नो प्लेस की बात हो रही है, तो देर हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं. ठीक है, सो विथ सिंगुलर नाउन्स और विथ सिंगुलर प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन्स होते हैं, जैसे ही, शी या इट. ही मीन्स क्या होता है, वन बॉय के लिए हम क्या कहते हैं, ही, राइट. शी वन गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं. इट हम किसके लिए यूज करते हैं, वन थिंग के लिए या वन एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं, राइट. सो वहां पर हम इज यूज करेंगे. ठीक है, लाइक ही इज माई फ्रेंड, राइट. शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. इट इज माई पेंसिल,
राइट, या फिर राम इज माय फ्रेंड, मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, मदर माय डैड इज बिजी टुडे, राइट, या फिर दिस इज माय कंप्यूटर, दिस इज माय मोबाइल, राइट. सो इज यूज्ड विथ वन पर्सन और वन थिंग, सिंगुलर, वन के साथ यूज होता है इज. और मैनी के साथ, विथ मैनी वी विल यूज आर, विथ मैनी वी आर गोइंग टू यूज आर, राइट. सो विथ प्लूरल नाउन्स, जैसे चिल्ड्रेन, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, या पीपल, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, या फिर दो लोग हो गए, राम एंड श्याम, रोहन एंड प्रीति, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, सो देयर वी विल यूज आर, ठीक है. एंड प्लूरल प्रोनाउंस के साथ भी हम आर यूज करते हैं, लाइक वी, वी मीन्स हम लोग, एक से ज्यादा हो गए, यू मीन्स आप, तो आप तो वन भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, आप मीन्स आप अकेले भी हो सकते हैं, और आप मीन्स आप लोग, सारे बच्चे हो सकते हैं, राइट. सो वी, यू, या फिर दे मीन्स वे लोग, सो वी, यू और दे के साथ हम आर यूज करते हैं, राइट. Understood? Like, see, देखो, I am a boy, you are my friend, he is my uncle, she is my aunt, we are a family, or we are friends, right? Like this, okay? So, remember this, children, am, is, and are, they are always and always used with present tense, they are used in present tense. जब हम present समय की बात कर रहे हैं, जब हम जो समय जो present अभी है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो तब हम am, is या are को use करते हैं, ठीक है, right? Now children, the question comes कि आपको exam में कैसे exercises आएंगे, इससे related कैसा question आपको exam में मिलेगा, solve करना होगा. So children, आपको is, am, are का fill in the blanks form में ऐसे questions आपको आ सकते हैं exam में, right? Like see, fill in the blanks with is, am और are. So the boys dash outside. So boys, अगर यहाँ पर है, एक से ज़्यादा boys हैं. So what we are going to use, children? We are, see, here we are talking about more than one boys. तो यहाँ पे are आएगा, the boys are outside. Ronnie dash a smart boy. So we are talking about how many person? We are talking about only Ronnie, which is one person. So we are going to use is. Ronnie is a smart boy. I dash in class one. Now see, जैसा मैंने क्या बताया था, अगर जहाँ भी आप I देखेंगे, तो I के साथ हमेशा क्या आता है? Am. I am in class one. It dash a nice day. It a nice day. कितने दिन की बात हो रही है? One day की बात हो रही है ना, एक दिन. It means singular noun में, plural, singular pronoun में आता है. तो it is a nice day. They dash soldiers. So they means किस में आता है, आपको याद है मैंने बताया था, they means वे लोग, तो एक से ज़्यादा लोग हो गए, तो they are soldiers. I dash ill today. मैं आज बीमार हूँ, तो when there is I means I am. The cat dash in the basket. So the cat, we are talking about one cat. The cat is in the basket. We dash at school. See, we are talking about we. We means hum log, means ek se zyada log. So we are at school today, right? Now again, she is my best friend. I am a good boy. They are scientists. It is my pet. Children are at the beach, right? So this is how you are doing, okay? So revise this exercises, इस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है. Now let's revise one more topic that is related to the previous topic. जो अभी हमने revise किया उससे related topic ही है, that is am, are plus ing. अब आप कहेंगे मैम इज एम आर तो ठीक था, लेकिन ये आई एन जी मतलब क्या है? सो बेटा याद रखिए, मैंने आपको क्या कहा था, इज एम और आर को हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, जो प्रेजेंट समय में, कौन से टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है. लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में हम किसी भी एक्शन वर्ड में आई एन जी ऐड कर देते हैं,
इज एम और आर लगाने के बाद एक्शन वर्ड में हम जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो समय अभी चल रहा है, कुछ काम जो है वो हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, इट इज गोइंग ऑन, चल रहा है, सो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट? लाइक सी, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ओके, या My father is reading a newspaper. My mother is watching television, right? My brothers are playing. So, मेरे पापा पढ़ रहे हैं newspaper. अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा था नहीं, पढ़ रहे हैं. My mother is watching. अभी देखो वो देख रही है, अभी चल रहा है ये काम. My brothers are playing. अभी वो खेल रहे, मेरे भाई लोग खेल रहे हैं. My pet is sleeping under the table. मेरा pet नीचे एक table के सो रहा है, अभी वो सो रहा है. I am reading a book. मैं book पढ़ रही हूँ. So the action which is going on, ठीक है, हम जब action जो चल रहा होता है उसमें हम ing form लगाते हैं, ing लगा देते हैं action words के आगे, ठीक है. जैसे example देखो, he is taking bath. So he takes bath, ये हो गया present tense. वो नहाता है, ये तो प्रेजेंट टाइम की बात होगी, लेकिन वो अभी नहा रहा है, राइट? तो उसमें हम क्या करते हैं, ही इज टेक में हम फिर क्या लगा देंगे, एंड में आई एन जी एड कर देते हैं, ही इज टेकिंग बाथ, राइट? अब आप कहेंगे कि मैम टेक की स्पेलिंग तो टी ए के ई है, यहाँ पे तो टी ए के लिखा है. सो बेटा याद रखेंगे, आई एन जी लगाने से पहले जिस वर्ड में लास्ट में ई आता है, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में ई आता है और उसके आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो ई को हम हटा देते हैं, ठीक है, एंड आई एन जी स्ट्रेट अवे लगा देते हैं, टेक इट, राइट? एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग सिक पेशेंट. डॉक्टर ट्रीट सिक पेशेंट, ये तो नॉर्मल है, प्रेजेंट टेंस में हो गया, लेकिन अभी डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है. सो द डॉक्टर इज ट्रीट में हमने आई एन जी लगा दिया, ट्रीटिंग कर दिया, ट्रीटिंग सिक पेशेंट्स, राइट? देखो अब यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर, एक से ज्यादा बच्चे हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, आर लग जाएगा, चिल्ड्रन आर एंड देन प्ले, प्ले कर रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, ये हो गया जनरल प्रेजेंट टेंस, एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे अभी खेल रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर प्ले के साथ हम आई एन जी एड कर देंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द टॉयज, राइट? सो सी, अब आप कहेंगे कि मैम एग्जाम में कैसे तैयार करूँ, एग्जाम में कैसे आएगा, सो लाइक दिस आपको ऐसे ही मिलेगा. लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ये वाला नहीं, आपको देखो ये तो चलो हम कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस. लाइक शिप्स आर सेलिंग, सेल के जगह आई एन जी सेलिंग. Cows are grazing in the field, right? अब आप देखो ये इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो ऐसा आप लर्न कर लेना, मतलब लर्न इन द सेंस आप रिवाइज कर लेना. लाइक जैसे आपको दिया रहेगा, एड आई एन जी टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मिया डैश अ बुक, सो यहाँ रीड ऑलरेडी आपको दिया है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इज एम या आर लगाना है, ठीक है. तो मिया अगर एक गर्ल की बात हो रही है तो क्या होगा, इज होगा, एम होगा या आर होगा, इज होगा. सो मिया इज, और रीड में हमें आगे क्या बस ऐड करना है, आई एन जी ऐड करना है. सो मिया इज रीडिंग अ बुक, मिया अभी बुक पढ़ रही है. वी डैश टू द जू, सो वी के साथ क्या होगा, आर होगा, वी आर, और गो में हम क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे, वी आर गोइंग टू द जू, राइट? चिल्ड्रन डैश टू द स्टोरी, सो चिल्ड्रन मीन्स एक से ज्यादा बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, इज आर या एम, आर होगा, चिल्ड्रन आर. और लिसन, लिसन में हमको फिर क्या ऐड करना है बताओ, आई एन जी एड करना है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर लिसन लिख कर और उसमें आई एन जी लिख देना है, एड कर देना है, लिसनिंग हो जाएगा, चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू स्टोरीज, राइट? रिया डैश टू हर मदर, सो रिया इज टॉकिंग टू हर मदर. आई डैश लिसन टू म्यूजिक, सो देखो आई है यहाँ पर, आई के साथ क्या होता है, एम हमेशा लगता है, तो आई एम और लिसन में हम आई एन जी लगा देंगे, आई एम listening to music, right? So इस तरह से आप revise करेंगे इस भी exercises को, ठीक है? Now next one children, okay, so next one we are going to revise, that is
has, have and had. Has and have, the use of has and have. Well children, अब आप कहेंगे मैम ये has have क्या है? तो बेटा मैं आपको बता दूँ, has और have जो है ना ये भी verb है. आप कहेंगे मैम कितने सारे वर्ब्स होते हैं, एक अभी आपने बताया एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड्स वर्ब है, फिर आपने कहा जो बी वर्ब्स हैं इज एम आर ये भी वर्ब्स हैं. अब आप कह रही हैं मैम हैज और हैव भी वर्ब्स हैं. हाँ ये भी वर्ब्स हैं, ये बिलोंगिंग वर्ब्स हैं जो बिलोंगिंग बताते हैं कि उसके पास या मेरे पास क्या है. व्हाट आई और व्हाट ही और व्हाट दे, व्हाट यू हैव और हैज, ठीक है. सो हैज एंड हैव दे टेल अस अबाउट द बिलोंगिंग ऑफ समवन, राइट. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब. लाइक देखो हमने हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर पढ़ा था ना अभी तक, तो इज एम आर एम और इज की जगह हम पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, और आर के लिए हम वर यूज करते हैं. और देखो हम हैज और हैव को कहाँ यूज करते हैं, हैज हैव को हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम जब बात कर रहे हैं. जैसे हैज आई, शी हैज माई पेंसिल, he has a nice dress, right? Mother has a beautiful sari, my father has a car, my grandfather has a story book for me, right? And have को हम कहाँ use करते हैं, जब many की बात हो रही है, many things, many person, many animal की बात हो रही है. Like we have a party at our house, right? They have a beautiful house, or mother and father have a good books in the library, right? Or Rita and Sita have a blue bag, right? So whenever we are talking about more than one person or animal or thing, we use have, right? और one के लिए has. और आपको पता है past tense में हम इन दोनों की जगह क्या use करते हैं, had use करते हैं. फिलहाल आपको इस बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको has और have के बारे में जानना है. तो example देखो, has का singular noun में जैसे हम क्या use करते हैं, he, she, it, है ना. रवि has a toy, she has a piano, राइट. अब देखो हैव को हम कहाँ यूज करते हैं, वी यूज हैव विथ प्लूरल प्रोनाउंस, लाइक प्लूरल नाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस, लाइक वी, दे, यू और आई, राइट. एग्जाम्पल दे हैव टॉयज, और रोज एंड जिल हैव अ पियानो, राइट. सो चिल्ड्रन नाउ हैज हैव, आपको ये जो है ना ये देखो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है. आप स्पेशली देखो इस टाइप का आपको पैसेज फॉर्म में आएगा, ठीक है. तो पैसेज फॉर्म में आप इसको आएगा, जैसे एक स्टोरी रहेगी उस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है. लाइक देखो ये स्टोरी को हम रिवाइज करते हैं, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग हैज और हैव. लाइक रोनित डैश अ मैजिक पेन. सो रोनित, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी पर्सन, बता सकते हैं आप मुझे कितने पर्सन की बात हो रही है. रोनित मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, राइट. सो रोनित हैज हो जाएगा. अगर हम वन पर्सन की बात कर रहे हैं तो हैज होगा, और अगर मोर देन वन, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हैव होगा, ठीक है. सो रोनित हैज अ मैजिक पेन, इट डैश मैजिकल पावर्स, उस मैजिक पेन में मैजिकल पावर्स है. तो कितने मैजिकल, मैजिक पेन की बात हो रही है, वन, है ना. इट मीन्स वन थिंग. तो इट हैज मैजिकल पावर्स. तारा रोनित सिस्टर वॉन्टेड टू डैश इट. तारा जो रोनित की सिस्टर थी वो उसे चाहती थी लेना, वॉन्टेड टू हैव इट, राइट. सो ही गेव इट टू हर, इसलिए उसने वो पेन को तारा को दे दिया. नाउ तारा डैश दी मैजिक पेन, अब तारा के पास मैजिक पेन है. सो तारा, कितनी तारा की बात हो रही है, वन तारा. सो क्या होगा, तारा हैज दी मैजिक पेन, राइट. सो याद रखना ही, शी, इट, इनके साथ हैज होता है, यू, वी, दे, इनके साथ हैव होता है, वन के साथ हैज एंड मेनी के साथ हैव. तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चा. Everyone is clear? Now, we are going to revise now the last topic, that is in, on, under and near. So, ये क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, in, on, under, near, these are
preposition words. What are prepositions? A preposition is a word that tells us that where something is, उसका position बताते हैं, where it is, वो चीज कहाँ रखी है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, across, above, right? So, like see, ये dwarf कहाँ है, behind, ये हो गया in front, ये हो गया above means ऊपर, under means नीचे, किसी चीज के नीचे, जैसे table के नीचे, next to means उसके बगल में, on means उसके ऊपर, right? Between means दोनों चीज के, दो चीज के बीच में, in means किसी चीज के अंदर, and near means पास में, right? Clear? So now you have already seen some examples like this, right? So now see, we are going to revise this exercises from the book. So आपको exam में कैसे मिलेगा, आप कहेंगे तो exam में बेटा आपको कोई picture दिया रहेगा और आपको sentence दिया रहेगा, ठीक है, और उस picture को ध्यान से देख के आपको बताना है कि आपको कौन सा preposition word use करना है, in, on, under या near, ठीक है. So fill in the blanks with in, on, under, near. So Tommy is sleeping dash the fridge. अब बताओ कहाँ पर है, near the fridge, है ना. Tommy is sitting dash the table. कहाँ पर table पे बैठा है, on the table, table के ऊपर. Tommy lives dash a kennel. Tommy कहाँ पर है इस समय, kennel के अंदर है, so in a kennel. Tommy is sitting dash the desk. Desk के कहाँ पर है, नीचे है, so under the desk, right? Now same way देखो, Anna is dash her room. Anna first picture में कहाँ है, in her room, अपने room के अंदर है, right? Anna is hiding dash the table. Table के अंडर है, नीचे है. आना इज सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठी है. आना इज सिटिंग नियर द फायर प्लेस, आना फायर प्लेस के नियर, पास में बैठी हुई है, राइट. सो इस तरह से आप रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू शो यू योर एग्जाम पेपर. एग्जाम मीन्स टेस्ट पेपर, आपका जो रिविजन टेस्ट में आज लूंगी, ठीक है. सो द रिविजन टेस्ट पेपर हियर इट इज, टोटल देयर आर 6 क्वेश्चंस, ओके चिल्ड्रन. सो आप इनको सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में, और इसे सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे इसकी कॉपी, आई मीन इसकी क्लिक फोटो करके, एंड देन उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स भी भेजूंगी. आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा इससे, ठीक है. तो अभी जस्ट मैं आपको भेजने वाली हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस. तो ये सेंटेंस को पढ़ के इसमें जो आपको वर्ब मिलता है, कहाँ वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स, तो उनको अंडरलाइन करना है. दूसरा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर. कहाँ इज होगा, कहाँ एम होगा, कहाँ आर होगा, उसे आपको ब्लैंक फिल करना है. ये है, कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विथ हैज और हैव. हैज हैव से इस स्टोरी को कंप्लीट करिए आप. कहाँ हैज होगा, कहाँ हैव लगेगा, ठीक है. यूज इज एम आर एंड आई एन जी वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पर इज एम आर लगाकर और एक्शन वर्ड में आई एन जी लगाना है और उसे आपको फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, ही, शी और इट. ये प्लूरल प्रोनाउंस आपको फिल करने हैं, ठीक है. नाउ नंबर 6 इज, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशन वर्ड्स इसमें फिल करने हैं, इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, ठीक है, बिहाइंड, इन वर्ड्स को आप फिल करेंगे, ओके. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, एंड बस क्लास के बाद मैं आपको तुरंत अभी भेज रही हूँ, एंड कंप्लीट दिस एंड लर्न एवरीथिंग, ओके. एंड थर्सडे को बी रेडी शार्प एट 8 o'clock. वी आर गोइंग टू मीट थ्रू जूम क्लास, राइट. सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.